जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों फाइनली Xiaomi अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लॉन्च कर चुका है, Mi Mix 4 5G। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ बताऊंगा, इस स्मार्टफोन के क्या क्या ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस हैं, इस स्मार्टफोन का ऑफिशियल प्राइस क्या है, ये दोस्तों इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं होगा, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इंडिया में कौन कौन से अच्छे अल्टरनेटिव्स देखने को मिल जाते हैं ये भी बताऊंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप दोस्तों Redmi 10 के बारे में जानना चाहते हो तो प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, अवेलेबिलिटी सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, आई बटन पे दे दे रहा हूं, क्लिक करके देख लो, सब कुछ मालूम चल जाएगा। आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूं, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में। तो एक बात आप जान लो, अभी तक फिलहाल अभी के टाइम में ये वर्ल्ड का सबसे नंबर वन स्मार्टफोन है जो आपको सबसे अच्छे डिस्प्ले स्पेक्स देता है। जी हाँ दोस्तों, आपको डिस्प्ले वाइज इतने अच्छे स्पेक्स मिलते हैं और इतने सारे स्पेक्स हैं कि बताने बैठ जाऊंगा तो अकेला दोस्तों डिस्प्ले ही आपका दोस्तों 10 मिनट ले लेगा। तो मैं आपको जल्दी जल्दी सब कुछ बताता हूँ, लेकिन सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, समझ जाओगे। यहाँ पर आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस माइक्रो कर्व्ड फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो सोच सकते हो यार कितना लंबा चौड़ा नाम है। तो यहाँ पर दोस्तों फ्लेक्सिबल डिस्प्ले का यूज किया गया है जो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्प्ले है। देखो यार, अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी के बारे में आगे कैमरा सेक्शन में समझाऊंगा, अभी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 480 हर्ट्ज का TSR है, टच सैंपलिंग रेट है, DCI-P3 कलर गैमेट मिल जाता है और यहाँ पर आपको 10 बिट के कलर्स देखने को मिलते हैं। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का स्क्रीन प्रोटेक्शन है जो बहुत ही अमेजिंग बात है, अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रीन प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। 395 का PPI है, सनशाइन स्क्रीन वर्जन 3.0 देखने को मिलता है, ब्राइटनेस लेवल आपको 2.0 देखने को मिल जाता है, 800 nits का पीक ब्राइटनेस मिल जाता है, इमेज प्रोसेसिंग इंजन भी देखने को मिल जाता है। क्या बढ़िया था गुरु। अब चलिए दोस्तों मैं आपको आराम से एक्सप्लेन करता हूँ, पहले गेमिंग की बात करेंगे फिर दोस्तों बात करेंगे हम लोग मूवीज का। देखो यार, आप जब भी गेमिंग कर रहे होगे ना, जो पर्टिकुलर पिक्सल्स आपको देखने को मिलेंगे ना, पहली बात तो 3D पिक्सल्स होंगे, तो गेमिंग करते वक्त जितने भी कॉन्टेंट है, ग्राफिक्स है, वो सब के सब आपको दोस्तों 3D में दिखाई देंगे। एंड दोस्तों दूसरी बात, एक और कर्व डिस्प्ले है तो गेमिंग करने का मजा कुछ और होगा, ये तो हो गई पुरानी बातें। अभी आपको 10 बिट का कलर मिल जाता है, इमेज प्रोसेसिंग इंजन भी देखने को मिल जाता है, DCI-P3 वाइट कलर गैमेट है, HDR 10 प्लस को सपोर्ट करता है, Dolby Vision के साथ आता है। ये जो कॉम्बिनेशन है काफी खतरनाक कॉम्बिनेशन है। आप दोस्तों गेमिंग कर रहे होगे ना, 10 बिट के कलर्स है, जो कॉन्ट्रास्ट है, जो ब्राइटनेस है, वो इतने अच्छे आपको मिलेंगे कि आपको क्या बताऊं। आप यूं समझ लीजिए कि आप दोस्तों एक हाई एंड PC में खेल रहे हो, उस टाइप का आपको दोस्तों लुक्स मिलेगा यहाँ पर। यानी कि मान लो कि BGMI खेल रहे हो, हाई सेटिंग्स पे खेलोगे तो मजा कुछ और ही होगा, एक कंसोल लेवल का आपको एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। हाँ, उस लेवल के ग्राफिक्स नहीं होंगे, लेकिन आपको एक्सपीरियंस महसूस वैसा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों HDR 10 प्लस का अलग ही मजा होता है और Dolby Vision का भी अलग मजा होता है। तो यही सब कॉम्बिनेशन है। एंड मूवीज देखते वक्त भी वही सेम चीज यहाँ पर भी होगा, क्योंकि जितने भी कंटेंट है, जो भी दोस्तों दिखाई जाएंगे मूवीज में, उनका दोस्तों मजा ही कुछ और होगा, देखने का अलग ही मजा होगा। और अंडर डिस्प्ले कैमरा के साथ आता है, कर्व डिस्प्ले है, बेजललेस डिस्प्ले है, तो देखने में दोस्तों जो व्यूइंग एंगल्स हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्मार्टफोन गिरेगा तो टूटेगा नहीं। अरे यार, फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन है तो फ्लैगशिप लेवल का प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, तो गिरेगा तो टूटेगा नहीं, क्योंकि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का स्क्रीन प्रोटेक्शन है। तो यार डिस्प्ले वाइज बहुत है अमेजिंग है, फिनोमिनल है, ऑसम है, अद्भुत है, लाजवाब है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दिया, सब कुछ है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैमरास के बारे में। तो कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही अमेजिंग कैमरास देखने को मिल जाते हैं, फ्लैगशिप लेवल के कैमरास तो मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों कहीं पर भी सेंसर्स के बारे में बताया नहीं गया कि कौन से सेंसर्स के साथ Mi Mix 4 आता है। कहीं भी मैं हर जगह खोज लिया, कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो कैमरास के बारे में दोस्तों अभी ज्यादा कुछ Mi Mix 4 बताया नहीं, ठीक है, मतलब कि Xiaomi बताया नहीं कि Mi Mix 4 कौन से सेंसर्स के साथ आता है। अगर आपको मालूम होगा तो मुझे नीचे कमेंट करके जल्दी से बता देना, ठीक है। तो ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है जो एक वाइड एंगल लेंस के साथ आता है, OIS का भी सपोर्ट है, 5x ऑप्टिकल जूम कर लोगे। उसके बाद दोस्तों आपको 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो देखने को मिल जाता है, जहां पर आप 50x जूम कर सकते हो और वो भी OIS के साथ आता है। 13 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है। तो कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है। सेल्फी की बात कर ले तो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है वाइड एंगल लेंस के साथ, जो दोस्तों एक अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी वाला कैमरा है। तो कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़े और इन्फॉर्मेशन शेयर करता ना तो मजा आ जाता। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी के बारे में। अच्छा,
देखो यार, करंटली अभी हम लोगों को ZTE Axon 30 देखने को मिल जाता है, जो ZTE का सेकंड जनरेशन अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी वाला फोन है। और दोस्तों वो सबसे लेटेस्ट अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ZTE का टेक्नोलॉजी अलग है, Xiaomi का अलग है। ZTE Axon 30 में आपको दो स्क्रीन देखने को मिल जाते हैं, एक OLED डिस्प्ले है, एक AMOLED डिस्प्ले है। पूरा स्मार्टफोन AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, लेकिन जो दोस्तों सेल्फी कैमरा एरिया है वहाँ पर छोटा सा कट लगा के OLED डिस्प्ले फिट कर दिया गया है। ये दोस्तों हो गया ZTE का टेक्नोलॉजी। और इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाया हूँ, आई बटन पे दे रहा हूँ, क्लिक करके देख लो, सब कुछ मालूम चल जाएगा। अब बात करते हैं Xiaomi के बारे में। Xiaomi दोस्तों क्या किया, वो पूरा एक ही डिस्प्ले यूज किया है। जैसे कि हम लोगों को जो साधारण फोन देखने को मिल जाते हैं, चाहे कोई भी फोन को देख लो, एक ही डिस्प्ले देखने को मिलता है ना, तो Xiaomi का भी दोस्तों पूरा OLED डिस्प्ले नहीं है, कहीं पर भी छोटा सा कटवट लगाया नहीं गया है, पूरा एक लौता डिस्प्ले है जो AMOLED डिस्प्ले है। सेल्फी कैमरा के ऊपर भी आपको वही डिस्प्ले देखने को मिलेगा। कैसे वर्क करता है मैं बताता हूँ। देखो यार, जो सेल्फी कैमरा एरिया है, जब भी सेल्फी लेने जाओगे तो वो जो एरिया है ना, एरिया वो छोटा सा जो कप है, छोटा सा छेद है, होल है, जो कहना कह लो, वहाँ के जो पिक्सल्स हैं अपने ब्राइटनेस को कम कर लेंगे ऑटोमेटिकली। सेल्फी लोगे, जितने भी फोटोज के डेटा है वो जाएंगे सेंसर के पास, आपका दोस्तों सेल्फी ले लिया जाएगा। अब कैसे ये वर्क करता है साधारण शब्दों में समझाता हूँ। आप दोस्तों स्मार्टफोन की बत्ती को बंद करते हो ना पावर बटन से, तो सारे पिक्सल्स बंद हो जाते हैं, स्मार्टफोन बंद हो गया। करते हो ना, कोई भी फोन के साथ चेक कर लो, वो कैसे होता है, जब पिक्सल्स दोस्तों बंद हो जाते हैं, अपने ब्राइटनेस को पूरा खत्म कर लेते हैं, तो आपका स्मार्टफोन बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप एक और भी काम करते हो यार, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, कम करो, कम ज़्यादा करते हो ना, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करते हो, वो भी एक तरह से आप बंद ही करते हो। आप पिक्सल्स की जो दोस्तों ताकत होती है, ब्राइटनेस लेवल्स होते हैं, उनको कम करते हो, तो सारे जो पिक्सल्स होते हैं अपने ब्राइटनेस को कम कर लेते हैं, आपका स्मार्टफोन का जो ब्राइटनेस होता है वो कम हो जाता है। आप ज़्यादा करते हो तो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब सेल्फी लेने जाओगे ना, तभी आपको सेल्फी कैमरा दिखाई देगा, वो अपने पूरे ऊपर जितने भी दोस्तों है ना उसके पिक्सल्स, उन सबको ब्राइटनेस को कम कर लेगा। 400 का PPI मिलता है, उन सारे PPI को दोस्तों कम कर लेगा और आपका सेल्फी ले लिया जाएगा। यही दोस्तों गलती ZTE Axon 20 में हुआ था, क्योंकि दोस्तों उसके जो पिक्सल्स है ना वो अपने डेंसिटी को कम नहीं करते थे, इसलिए जब भी सेल्फी लेते थे तो हम लोगों को पिक्सल्स के भी फोटो दिखाई देते थे। लेकिन यहाँ पर Xiaomi दिमाग लगाया है, जितने भी पिक्सल्स हैं उनके ब्राइटनेस को कम कर देगा वो, और आपको अच्छा इमेज प्रोसेसिंग देखने को मिल जाएगा। समझ गए ना, यूँ कह लीजिए यार, जो सेल्फी कैमरा है उसके ऊपर जितने भी पिक्सल्स हैं अपने ब्राइटनेस को कम कर लेते हैं और जो कैमरा है वो दिखाई देने लग जाता है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है, UFS 3.1 का शोर सपोर्ट है, LPDDR5 RAM टाइप है, जो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बैटरी सेक्शन के बारे में। तो 5000 mAh का बैटरी नहीं मिलता है, 4500 mAh का बैटरी मिलता है, 120 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जो बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, कवर तक नहीं दे रहे बॉक्स के अंदर। ये एप्पल के भी दोस्तों ऊपर चले गए, एकदम पतला सा बॉक्स दे रहे हैं, केवल यूजर मैनुअल होगा, स्मार्टफोन होगा और कुछ भी नहीं। दिल से बुरा लगता है यार। 10 वॉट के रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इतने सारे स्पेक्स है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, MIUI 12.5 के साथ रन करेगा। 13 अगस्त को MIUI 12.5e देखने को मिल जाएगा, जो नया वर्जन है MIUI 12.5 का। 3D VC लिक्विड कूलिंग मिल जाता है, Wi-Fi 6 का सपोर्ट है, आपको हरमन कार्डन के डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। ऑल दो यार स्पेक्स से भरा हुआ है, बताने बैठ जाऊंगा पूरा दिन बीत जाएगा। यही मेन स्पेक्स है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस वाइज बताने मेरे को बहुत ही हंसी आ रहा है, सही बता रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मी 11 जब लॉन्च हुआ था ना, तो स्नैपड्रैगन 888 के साथ लॉन्च होने वाला पहला स्मार्टफोन था, रियलमी बाजी हार गया था, ठीक है, एंड बहुत सारे ब्रांड्स बाजी हार गए थे। इस बार भी वही हुआ, स्नैपड्रैगन 888 प्लस के साथ मी मिक्स 4 आ गया है, जो वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जो स्नैपड्रैगन 888 प्लस के साथ आता है। स्नैपड्रैगन का दोस्तों ये लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर है, 5 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी में बेस्ड है, एडिनो 660 का GPU है। देखो यार, परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, हाई ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग कर लोगे, डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन रॉकेट के जैसे चलेगा। और मेरे को ऑनर पे दोस्तों सही बता रहा हूँ बहुत ही, वो कहते हैं ना कि दया आ रहा है, वही वाला हाल है। ऑनर दोस्तों पूरा प्लान करके बैठा था, 12 तारीख को लॉन्च करूंगा ऑनर मैजिक 3 को, वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन बनाऊंगा 888 प्लस के साथ। ऑनर देख के बोल रहा होगा यार ये क्या है, क्या ही करूं यार, बताओ यार, 12 तारीख को मैं लॉन्च कर रहा हूं, 10 तारीख को ये लॉन्च कर दिए, 2 दिन से पीछे रह गया, बस 2 दिन से। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन काफी आपको क्लासिक लुक्स ही देता है, देखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है। जो कैमरा हाउसिंग है कम्प्लीटली न्यू डिजाइन के साथ आता है, देखने में काफी यूनिक लगता है। जो कैमरा अलाइंड किए गए हैं काफी अच्छा लगता है देखने में, एंड बहुत अच्छे अच्छे क्लासिक कलर्स में भी अवेलेबल है। आगे से देखोगे तो आगे से एकदम फ्यूचरिस्टिक लुक दे देता है,
कोई भी दोस्तों आपको पंच होल, वाटर ड्रॉप नॉच ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। कंप्लीटली बेजललेस डिस्प्ले है, कर्व डिस्प्ले है, तो देखने में और भी अच्छा लगता है। जनरली अंडर डिस्प्ले कैमरा वाले जो फोन होते हैं वो कर्व नहीं होते हैं, लेकिन ये कर्व है तो काफी अच्छा लगता है देखने में। अगर दोस्तों बिल्ड वाइज जाओगे तो ग्लास बैक के साथ आता है, जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का ग्लास यूज किया गया है, तो टूटेगा नहीं ग्लास। आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का ग्लास है, एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है। डिजाइन और बिल्ड वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही प्रीमियम है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में, प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आज चाइना में लॉन्च हो चुका है। प्राइसिंग की बात करते हैं, 8+128GB जो बेस वेरिएंट है जिसका प्राइस है 57,350 रुपये। कुछ लोग हैं जो कहते हैं इंग्लिश में बताया करो यार, 57,350 रुपीज़, 57,000 रुपये। वैसे स्पेक्स भी दे रहा तो कुछ हम लोग कह भी नहीं सकते, प्राइस अच्छा है। 8/256 आपको 60,800 रुपये का, यानी कि 60,800 रुपीज़, और 12/256 66,530 रुपये, यानी कि 66,530 रुपीज़। 12/512 आपको 72,300 रुपये का, यानी कि 72,300 रुपीज़। तो ये दोस्तों प्राइस है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इंडियन अवेलेबिलिटी के बारे में, क्या ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा, वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखो यार, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं जो कह रहे हैं कि ये जो स्मार्टफोन है केवल और केवल चाइना एक्सक्लूसिव रहेगा, मतलब कि चाइना में ही लॉन्च हुआ है और कहीं शायद ये लॉन्च नहीं होगा। इंडियन अवेलेबिलिटी के बारे में कहीं भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि Mi Mix 4 इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा। तो इंडियन अवेलेबिलिटी के बारे में अभी तो आपको मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको बताऊंगा। देखो यार, अगर एक बार ये स्मार्टफोन ग्लोबली लॉन्च हो गया ना तो इंडिया में भी आने के इसके चांसेस बन जाएंगे, लेकिन अभी के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये दोस्तों चाइना एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन है, तो क्या ही कर सकते हैं। इंडियन अवेलेबिलिटी के बारे में मालूम चलेगा तो आपको बताऊंगा, टेक न्यूज़ को फॉलो करते रहिएगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ऑल्टरनेटिव्स के बारे में। तो सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव है Mi 11 Ultra, जो दोस्तों आपको ऐसे ही स्पेक्स प्रोवाइड करता है, कैमरा डिपार्टमेंट में तो उससे भी आगे है। Mi 11 Ultra को परचेज करने की कोशिश करो, नहीं तो Samsung Galaxy S21 Ultra को परचेज करने की कोशिश करो, नहीं तो दोस्तों Samsung Galaxy Z Flip को परचेज कर लेना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको फील मिलेगा। तो ऑल्टरनेटिव्स के मामले में आपको इतने ही स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो OnePlus 9 Pro की तरफ भी जा सकते हो, Vivo X60 Pro की तरफ भी जा सकते हो, Oppo Reno 6 Pro की तरफ भी जा सकते हो, iQOO 7 Legend की तरफ भी जा सकते हो। तो इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स बता दिया मैं। तो दोस्तों बस ये कंप्लीट पैकेज Mi Mix 4 का। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे बातों से एग्री करते होंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, एम करते हैं 100 लाइक का, जल्दी से कर दो यार प्लीज। और चैनल पे नहीं आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको Mi Mix 4 कैसा लगा, आपके क्या थॉट्स हैं, क्या ओपिनियंस हैं, जो भी दिल में है जल्दी से कमेंट करके बताओ। और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग टेक्स रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, रात को टेक न्यूज भी देता हूँ, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं मिलता हूँ आप सभी अगले और एक नई वीडियो में, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय।